हेलो एवरीवन, क्या आप भी अपने मोबाइल में सी वी फ़ोटो को एडिट करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। सी वी फ़ोटो को एडिट करने के लिए मैक्सिमम आपके मोबाइल में 3 ऐप्स होने चाहिए, जिसको आप सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। ये 3 ऐप्स हैं स्नैपसीड, ऑटोडेस्क एंड लाइटरूम। सी वी फ़ोटो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में स्नैपसीड, स्नैपसीड में हम फोटो को डिटेलिंग देंगे। एंड सेकेंड पार्ट है ऑटोडेस्क स्केचबुक, और इस एप्लीकेशन में हम फोटो को स्नैपसीड में एडिट करने के बाद शेयर करेंगे फेस को स्मूथ एंड बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। एंड थर्ड पार्ट है लाइटरूम, ऑटोडेस्क में फेस को स्मूथ करने के बाद एंड बैकग्राउंड को चेंज करने के बाद हम लाइटिंग के लिए लाइटरूम एप्लीकेशन में फोटो को शेयर करेंगे। तो गाइज, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हमारी एक गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस, तो हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिया है, हम इस पर क्लिक करके अपने सीधा गैलरी में जाते हैं। वहाँ पे हम अपना इमेज है इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब देन इसके बाद टूल्स का ऑप्शन दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद टून इमेज का ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, वहाँ पे क्लिक करना है और एम्बिशन को फुल्ली इंक्रीज कर देना है कुछ इस टाइप से, और हाईलाइट को हल्का सा माइनस में कर देना है और शेडो को हल्का सा बढ़ा देना है। और लास्ट में नीचे वाला ऑप्शन दिया है, इसको हल्का से देख सकते हैं अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग करिएगा, थोड़ा सा वो येलो टोन लाने के, ठीक है। देन इतना करने के बाद आप लोगों को राइट कर देना है। अब राइट करने के बाद फिर से आप लोगों को टूल्स पे चलना है। इस टूल्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पे डिटेल का ऑप्शन दिया, इस डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और स्ट्रक्चर को हल्का सा इंक्रीज कर देंगे और शार्पनेस को भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब देन इसके बाद यहाँ से राइट कर देंगे। अब राइट करने के बाद देख सकते हैं हमारा फोटो कुछ डिटेलिंग में आ गया, कुछ HD क्वालिटी में हो गया। फिर से वही वाला ऑप्शन पर हम दोबारा चलेंगे और यहाँ पे सिलेक्टिव का ऑप्शन दिया, इस पर हम क्लिक करके हमारे फेस पे जहाँ जहाँ भी ब्लैक होगा, जिस जिस जगह फेस पर, सिर्फ बॉडी पर, कपड़ों पर नहीं, ठीक है, हेयर पर नहीं, सिर्फ जहाँ हमारा बॉडी है वहाँ पे जहाँ भी ब्लैक लगेगा आप लोगों को अपने फ़ोटो में, हमारे फ़ोटो में जहाँ दिख रहा है, हम वहाँ पे रख के इसे कुछ इस टाइप से रख लेना है। उसके ब्राइटनेस को आप लोग इंक्रीज करेंगे तो जितना एरिया सिलेक्ट रहेगा वो अपने ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। यहाँ से राइट कर देंगे, फिर से हम चलेंगे यहाँ पे कोने पे एक्सपोर्ट का दिया ऑप्शन, फिर यहाँ पे हम शेयर वाले ऑप्शन पर चलेंगे। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप है स्केचबुक, ऑटोडेस्क स्केचबुक में हम ये फ़ोटो ओपन कर रहे हैं, ठीक है। हमारा फ़ोटो ओपन हो गया स्केचबुक एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले हम चलेंगे ब्रश वाला आइकन पर। तो हमारा स्केचबुक में सबसे पहला काम है बैकग्राउंड इरेज करना, तो ये वाला ब्रश आप लोगों को चूज कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद इसका सेटिंग आप लोगों को देख लेना है, और सेटिंग क्लिक करके देख लीजिए, इसका अमाउंट इरेज जो है 100% रहना चाहिए, वरना आप लोग बोलोगे यार ये नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड इरेज नहीं हो रहा है, ठीक। इसको कुछ इस टाइप से जूम करना है और जहाँ जितना साइज मांगे उतना रख के आप लोगों को कुछ इस टाइप से बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से जितना टाइम आप दोगे उतना ही फ़ोटो आप लोगों का अच्छा एडिट होगा। तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बोरिंग लगेगा, ठीक है। वैसे भी आप लोग ज़्यादा देखते नहीं हो यार, पूरा फुल्ली वॉच करके जाइए, बिल्कुल आप लोगों को सिखा के रहेंगे यार सी वी एडिट, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा केवल इस एक वीडियो से। पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आप लोगों का हो जाएगा। अब देन इतना करने के बाद आप लोगों को फिर से वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद इमेज इंपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, उस पर हम क्लिक करेंगे। फिर से दोबारा उस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, ये हमें सीधा अपने गैलरी में ले जाएगा। हम एक बैकग्राउंड पहले से ही ऑलरेडी बना के रखे हैं, यदि ये बैकग्राउंड आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, यदि नहीं भी करेंगे कमेंट तब भी हम ईमानदारी से इस बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बैकग्राउंड
पेस्ट करने के बाद आप लोगों को फोटो कुछ इस टाइप से लगेगा, तो कोई चिंता करने की बात नहीं। वहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस फोटो पर, ठीक है, इस वाले लेयर पर क्लिक करना है बैकग्राउंड वाले पे, और इसे घुमा कर कुछ इस टाइप से आप लोगों को नीचे ला कर छोड़ देना है। देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से हमारा फोटो ऊपर आ गया और देखने में कितना लुक फंटेस्टिक लग रहा है। ठीक है गाइस, ये फ़ोटो थोड़ा सा हम सीवी फ़ोटो एडिट करें तो देख सकते हैं आप लोग, सीवी फ़ोटो कुछ लाल या तो पीला या ब्लू में ज़्यादा होता है, तो हम इसका यहाँ पे चल के इसे हम कलर में थोड़ा सा लाते हैं। देख सकते हैं आप लोग, आप लोगों का पसंद जो भी आप लोग कलर पसंद करें रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, हम कुछ ये रेड में रखते हैं, इसे किनारे पर लाकर छोड़ दीजिएगा आप लोग, और नीचे वाले को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इसका ब्राइटनेस बढ़ेगा। ठीक है, अब देन इतना करने के बाद आप लोगों को वहाँ से डन कर दे रहा है। आप लोग अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग अपना कलर चूज कर ले सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग यार आधा अधूरा देख कर जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, फिर से एक लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर से वहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, एक इम्पिटी लेयर हमारा तैयार हो गया। फिर से हम ब्रश पे चलेंगे, इम्पिटी लेयर लेने के बाद हम चलेंगे एक ब्रश वाले आइकन पर, यह ट्रेडिशनल वाले का ये वाला ब्रश। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और कलर आप लोग अपने अनुसार थोड़ा सा, चलिए ठीक है, वाइट ले ले, अपने अनुसार नहीं वाइट ही लेना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये एक बार साइज बढ़ाकर आप लोगों को रख लेना है, और जूम करके कुछ इस टाइप से आप लोगों को रखना है। ठीक है, फेस पर, सिर्फ फेस पर। अब यहाँ से हम राइट कर दे रहे हैं, ये क्यों किया अभी आप लोगों को बताते हैं। चलिए लेयर पे चलते हैं, यहाँ पे चल के इसे हम फोटो के नीचे ले जाते हैं कुछ इस टाइप से। देख सकते हैं सीवी फोटो में अक्सर ये जो शेडो होता है वाइट शेडो कुछ इस टाइप का ही दिखता है, इसका अपासिटी हल्का सा हम कम कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देन इतना करने के बाद आप लोगों को मर्ज कर लेना है। अब मर्ज करने के बाद हम चलेंगे एक बार फिर से इसका डुप्लीकेट लेयर तैयार कर लेते हैं, हमारा जो मॉडल है उसका, और फिर से हम ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। किस लिए क्लिक करते हैं कि अब हम चलेंगे थोड़ा सा फेस को स्मूथ करने के लिए। ठीक, दो स्टेप है इसमें स्केच बुक में, एक तो इरेज करना बैकग्राउंड का, और दूसरा स्टेप है कि फेस को स्मूथ करना। ये वाला ब्रश लेके आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा ये स्मूथ है कि नहीं, यदि स्मूथ वाले ऑप्शन पे नहीं है तो इस पर स्मूथ वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और सेटिंग पहले से हमने बना कर रखा है, देख सकते हैं फ्लो को 4 और स्ट्रेंथ को 7% रखना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से, और फोटो को अप्लाई, इस फोटो पे अप्लाई करने का सही तरीका है, जब भी आप ब्रश चलाइए और स्मूथ करिए तो फोटो को राउंड राउंड करके ही चलाइए। ठीक है, तभी आप लोगों का फोटो स्मूथ होगा। ठीक है गाइज, थोड़ा सा यदि आप लोगों को जानकारी ना हो तो हम इसमें आप लोगों को कुछ हिंट दे रहे हैं। देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोगों को करना है, ऐसे गोल गोल एक बार ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे ऐसे अप एंड डाउन में आप लोगों को करना है, तभी आप लोगों का एकदम फैंटेस्टिक तरीके से आप लोगों का, मतलब कोई भी जो लाइनिंग आ जाती है वो नहीं आएगा। ठीक है गाइज, कुछ इस टाइप से आप लोगों को कर लेना है। हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दे रहे हैं, तो चलिए हो जाने दीजिए जल्द से जल्द। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। जी हमारा फोटो स्मूथ हो गया बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, देख सकते हैं कितना आसान तरीका है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल एकदम हार्ड तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो गया। ठीक से फिर से हम वहाँ पे प्लस वाले आइकन पर लेके एक इम्पिटी लेयर लेंगे, और इसका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल है तो हम इसे सॉफ्ट लाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसे सॉफ्ट लाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब सॉफ्ट लाइट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन है, उस कलर को हम लिपस्टिक का कलर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे ओट के कलर को, तो जो ओट का कलर आप लोग रखना चाहते हैं वो कलर आप लोग रख सकते हो। वैसे तो ज़्यादातर लोग येलो, क्या नाम है, सॉरी रेड में ही लेते हैं। ठीक है, और ये वाला ब्रश आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है जो अभी आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, ये वाला और इसका साइज आप लोग, मतलब जहाँ पे अप्लाई करना है उस साइज में आप लोगों को ब्रश को कुछ छोटा कर लेना होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल आराम से कुछ इस टाइप से अप्लाई करना है। ठीक है, देख सकते हैं
जैसा मैं बता रहा हूँ गाइज, ऐसा कोई नहीं बताएगा। लोग आते हैं, बताते हैं, जल्दबाजी में थोड़ा सा सीन काट देते हैं, सीन काट काट के आप लोगों को दिखाते हैं, बिल्कुल रियल तरीका नहीं बताते हैं। यदि आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा भी रियल लगे, ठीक है, थोड़ा क्या यार, मैं पूरा बता रहा हूँ रियल, जैसे ऐसे जैसा आप लोग थंबनेल में देखे वैसे ही फ़ोटो मैं वीडियो में भी बता रहा हूँ। कोई कुछ भी एक भी पॉइंट हमने मिस नहीं किया है इस वीडियो में, ठीक है। आप लोगों को कुछ इस टाइप से अप्लाई करने हैं, ठीक है। देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज करें, यहाँ पर क्लिक करके इस पर क्लिक करके थोड़ा सा हम पिंक में ले ले रहे हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से ब्लैक वाले को बढ़ा देंगे और कलर में थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, इसके थोड़ा सा अपासिटी को हम कम कर दे रहे हैं। इतना करने के बाद हम इसे मर्ज कर देंगे, ठीक है। मर्ज नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। देख सकते हैं गाइज, स्केचबुक में वैसे तो हमारा फ़ोटो कुछ शानदार लग ही रहा है, कुछ क्या बहुत लग रहा है। थोड़ा सा हम लाइटिंग के लिए, हम हमारा तीसरा स्टेप है लाइटरूम एप्लीकेशन, ठीक है गाइज। जो आप लोगों को हमने शुरू में बताया तीन स्टेप में थ्री स्टेप ऐप का यूज करना है, तो हम आ गए लाइटरूम एप्लीकेशन में। आप लोगों को फ़ोटो को शेयर कर लेना है, तो सबसे पहला हमारा काम यहाँ ऑटो का ऑप्शन दे, इस पर हम क्लिक कर दे रहे हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लाइटिंग वाले ऑप्शन पर चलते हैं और ये कंट्रास्ट जो है, ठीक है, कंट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हेयर पे थोड़ा सा वाइटिंग आ रहा है वो थोड़ा ब्लैक हो जाए, और सेट भी हमारा शर्ट का कलर भी थोड़ा सा ब्लैक हो जाए, थोड़ा सा निखर के आ जाए। फिर उसके बगल में कलर का ऑप्शन दिया, वहाँ पे हम कलर वाले ऑप्शन पर चलेंगे। फिर उसके बाद मिक्स का ऑप्शन दिया, वहाँ पे क्लिक करेंगे, और वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये अरेंज रेड वाला है, रेड वाले का थोड़ा सा हम माइनस में कर देंगे सेचुरेशन को, क्योंकि फेस पे थोड़ा सा आ गया है, ठीक है। इसके बाद ऑरेंज टोन है, इसका ल्यूमिनस को हल्का से इंक्रीज करेंगे तो हमारा फ़ोटो वाइट में आ जाएगा। देख सकते हैं गाइस, यदि आप लोगों को फ़ोटो में यार मज़ा आ रहा है तो यार सब्सक्राइब यार ज़रूर करें, लाइक करें और फॉलो करें यार, ताकि अगला वीडियो हमारा आप तक सबसे पहले पहुँचे, हमें भी खुशी मिले, ठीक है। वीडियो बनाने में यार व्यूज नहीं जाता है तो मन नहीं करता है कि वीडियो बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है। यदि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला तो गाइस कमेंट करिए। यदि आप लोग यहाँ तक देखे हैं वीडियो को तो ज़रूर आप लोग सीवी फ़ोटो को एडिट करना यार सीख ही गए होगे। मैं नहीं कह रहा।